द अंडरडॉग ऑफ ऑल मार्केट्स इज रजौरी मार्केट. यहाँ पर किसी को नहीं पता इतनी अमेजिंग सटल ब्यूटिफुल क्लासी कलेक्शन आ चुकी है रजौरी मार्केट की. दिस मार्केट इज एन अमेलगमेशन ऑफ ऑल द वेस्टर्न वेयर एंड एथनिक वेयर. आप सरप्राइज हो जाओगे कि ज़ारा के एक्चुअल ड्यूप्स कहाँ पर मिलते हैं, वो है इस मार्केट के अंदर. इनफैक्ट मोर स्टाइलिश थिंग्स, थोड़ी सी ब्लिंगी चीज़ें भी मिलेगी जो आपको वेस्ट दिल्ली की फील देंगी, पर उसके अलावा दिस मार्केट इज टर्निंग टू बी क्लासी. Also, don't underestimate the accessories that you get in this market. आपको शादी की चीज़ों से लेके, घर की चीज़ों से लेके, कोई भी जुगाड़ू चीज़ें चाहिए वो यहाँ पर मिलेंगी. मिनीसो और जूटियो भी चेकआउट करेंगे रजौरी मार्केट का. तो इस वीडियो को देखने से पहले प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर देना एंड एंड तक जरूर देखना. बहुत अच्छे इनके पास काफ्तान है और बड़े वेस्टर्नाइज स्टाइल में है. देखो काफ्तान में इनके पास, मैं जब भी आती हूँ ना, नेवर डिसअपॉइंटेड. इनका ऑनलाइन का भी कलेक्शन है, आप चेकआउट कर सकते हो. मैं सारी डिटेल आपको नीचे दे दूंगी. इनको फोन कर सकते हो, व्हाट्सएप कर सकते हो एंड यू कैन आस्क फॉर व्हाट एवर यू सी. ये देखो बड़े अच्छे ब्राइट ब्यूटिफुल कलर्स है. इसमें नोट कर दो, ये देखो मिरर वर्क में कितना ब्यूटीफुल है, कितनी डिटेलिंग है, कलर्स कितने डिफरेंट है, यूनिक है. राइट इन द मिडल ऑफ द मार्केट 7 days एक स्टोर है जो कि बहुत ही अमेजिंग कलेक्शन के साथ है. आई थिंक कई बार तो ना अंदर की जो मेन शॉप्स होती हैं, बड़े बड़े शोरूम होते हैं, वो भी फेल हो जाते हैं ऐसे टाइप के स्टॉल्स और शॉप्स से. तो मुझे लगता है ये लोकल शॉपिंग इज द बेस्ट इफ़ यू वॉन्ट टू गो टू रजौरी मार्केट. ठीक है, इनका प्राइस बताना. 3200. इसमें चार कलर अवेलेबल है, 25 के बाद डिस्काउंट होगा. ठीक है, देखिए. सो मैं आपको कैरी बैग दिखा रही हूँ. ये है इनका नंबर, इनका इंस्टा पेज 7days_collection. ये डॉट डॉट भी है. ठीक है, और ये है H32 शॉप नंबर 4. यहाँ ज़रूर आना, बेस्ट ऑफ कलेक्शन है, अनलाइक एनी अदर थिंग इन द मार्केट. भैया हेलो, थैंक यू भैया. सो पहले तो मैं आपको पूरा रिकमेंड करूँगी कि 7 days देखो. उसी के साथ एक और भी स्टोर है, एक और ही स्टॉल है जहाँ पर अगेन बड़ी अच्छी सुंदर कलेक्शन थी, रियल मिरर वर्क की चीज़ें आई हुई थी एंड इनकी कॉस्ट थोड़ी सी हायर साइड पे है, बट दे लुक सो प्रिटी एंड क्लासी, ऑलमोस्ट लाइक ब्रांडेड या डिज़ाइनर वेयर जैसी चीज़ें लग रही हैं. इट्स बीटिंग ऑल द लाजपत नगर की शॉप्स यार. मतलब सीरियसली इतनी अपकमिंग मार्केट हो चुकी है इस टाइम पर रजौरी मार्केट कि आई नेवर फेल टू लाइक ओपन माई आईज एंड सी अराउंड. जस्ट विंडो शॉपिंग भी मुझे बहुत ही हैप्पीनेस देती है रजौरी मार्केट में जाके. द प्राइस रेंज विल बी अराउंड 1500 to 3500 के बीच में. मोस्टली एक टाइप का ही रेंज मिल जाता है आपको, 2500 to 3000 rupees. उसके बाद आपको ऐसे टी शर्ट्स एंड लाइक कार्गो पैंट्स, जीन्स, जो थोड़ी वाइड लेग जीन्स वगैरह है, वो सब आपको ऐसे छोटे छोटे स्टॉल्स पे मिलेगी. ये भी आपको मिड मार्केट में ही आपको स्टॉल्स दिख जाएंगे. स्टार्टिंग ऑफ द मार्केट थोड़ी सी ठंडी पड़ी होती है, तो अगर आप मिडल ऑफ द मार्केट से शुरू करोगे एंड टूवर्ड्स दी एंड, तो मिडल ऑफ द मार्केट में कैसे कह रही हूँ, बेसिकली आपको जाना है मेट्रो स्टेशन की से आपको उतर के मिडल ऑफ द मार्केट में आना है और वहीं तक मेन शॉपिंग का एरिया है जहाँ पे शेड्स शोरूम है. उसके बाद आपको बीच में एक स्टॉल दिखेगा, ऐसे ही शॉप है, नॉट स्टॉल, शॉप है, जहाँ पर काफ्तान ही मिल रहे थे, ऑल मिरर वर्क, अगेन थोड़े बंजारन कच टाइप का वर्क भी था, मिक्स ऑफ दोज थिंग्स एंड द कलर कॉम्बिनेशन एंड बहुत सारी ऑप्शन जो थी वो बहुत ही अच्छी थी, ब्राइट कलर्स थे, फेस्टिव भी थे. सो किन्स शोरूम हो गया या उसके आसपास मायरा हो गया, उसके आसपास आपको दिखेगा ये वान्या क्रिएशन. मैंने इसको पहले भी अपनी वीडियो में डाला हुआ है. इनकी भी कलेक्शन ना खान मार्केट लेवल की होती है. मतलब खान मार्केट में आप जाओगे ना तो आपको ऐसे स्टॉल्स मिलेंगे जहाँ पर ऐसे ब्यूटिफुल से सूट्स पड़े होंगे, ब्राइट कलर्ड विद लाइक जरदोजी वर्क या फिर एम्ब्रॉयडर्ड वर्क, और इनमें कलर्स भी बिल्कुल ऑरेंज एंड लेटेस्ट कलर्स चल रहे हैं, मतलब हॉट पिंक एंड मस्टर्ड येलो. सो यू कैन ऑलवेज ट्राई टू बाय समथिंग फ्रॉम दीज ब्रांड्स, क्योंकि आपको कोई क्वेश्चन भी नहीं करेगा आप ये कहाँ से लेके आए हो, कोई फड़ी है क्या.
ओके एंड देन देर इज अ मिक्स ऑफ दीज काइंड ऑफ शॉप्स ऑल्सो. जो मायरा कुर्ती वेयर है ये भी वान्या क्रिएशन के पास ही है. तो मैं जो मैंने लोकेशन आपको बताई है आपको टूवर्ड्स, अगर आप मेट्रो स्टेशन से आ रहे होगे ना तो आपको पहले ये शॉप मिलेगी, फिर वान्या क्रिएशन, उसके बाद आगे वाली. तो मैंने बहुत सीक्वेंस में नहीं बनाई है ताकि आप लोगों को पहले बेस्ट ऑफ चीज़ें दिखा दूँ. सो इनके पास भी शरारा सूट सेट्स होते हैं, थोड़े से अनस्टिच सूट्स भी मिल जाएंगे जो कॉमन रेट में होंगे, लाइक 1500 रुपीज़. सेल प्राइस काफ़ी इनके पास अच्छा मिल जाता है, मतलब 25% डिस्काउंट, 50% डिस्काउंट. गाउन्स वगैरह मिल जाते हैं शादी के लिए, सिंपल भी मिल जाती हैं फॉर फेस्टिव वेयर. जो आजकल वेडिंग्स के लिए छोटे फंक्शन होते हैं वो भी आपको यहाँ से आप लेके जा सकते हो. बहुत ही कलरफुल भी मिल जाते हैं एंड ब्लैक वगैरह में भी मिल जाएगा जो बहुत ही क्लासी लगता है. वाइवा कलेक्शन, वीवा वाइवा, आई डोंट नो, मे बी आई एम प्रोनाउंसिंग इट रॉन्ग, बट एक्चुअली इनकी भी कलेक्शन बहुत अच्छी होती है. तो अगर आप एथनिक मूड्स बाय गुंजन पे गए हो तो आपको पता होगा कि बहुत ही ब्यूटीफुल जो ब्लाउजेज हैं जो लाजपत नगर में भी मिलते हैं उससे भी थोड़ी सी और डिफरेंट कलेक्शन यहाँ पर भी मिल जाती है. बहुत ही डिज़ाइनर वेयर कलेक्शन है. आई थिंक यू कैन प्लान योर आउटफिट अराउंड दीज काइंड ऑफ ब्लाउजेज. बहुत ही सेक्सी लुकिंग एंड लाइक कॉर्सेट वाले, यू कैन इवन यूज़ देम विद इंडो फ्यूजन काइंड ऑफ आउटफिट्स. तो इनकी भी प्राइस रेंज ऐसी कुछ होती है 1500 to 2500 के बीच में, डिपेंडिंग ऑन कितना वर्क ले रहे हो और कितना कॉम्प्लिकेटेड डिज़ाइन है उसमें. कॉर्सेट वाले तो डेफिनेटली थोड़े से एक्सपेंसिव साइड पे हैं, 2500 to 3000 रुपीज़ के बीच में है. और जो जिसमें शेल्स लगे हुए हैं या फिर ऊपर काफ़ी सारा वर्क हो रखा है तो वो भी आपको 2000 रुपीज़ के अराउंड ही मिलेंगे. जो सिंपल ब्लाउजेज हैं जो मिक्स एंड मैच करने के लिए या एवरी डे या किसी साड़ी के साथ, जैसे आप सिंपली गोल्डन एंड सिल्वर वाला ढूंढ रहे हो, तो 1500-1200 ऐसे भी प्राइस पर मिल जाता है. इसी के पास आपको स्टॉल्स भी मिलेंगे. सो आपको रीत एक शोरूम है, डायमंड विला है, उसके पास ऐसे अलग से स्टॉल्स मिल जाएंगे. इवन स्टिलेटोस के पास भी है, वो मैं आगे दिखाऊंगी. उनके पास कुंदन ज्वेलरी मिलती है. तो जो चीज़ आपको लाजपत नगर में एक छोटी सी विजय स्टोर वाली गली है वैसे में मिलेगी, ये आपको स्कैटर्ड में अलग अलग जोन्स में मिलेगी ऐसी टाइप की कुंदन ज्वेलरी. सो J71 एक और शॉप है जो कि मेट्रो स्टेशन के काफ़ी पास में है, मतलब मेट्रो स्टेशन से जब आप मेन मार्केट की तरफ आओगे ना तो आपको ऐसी वाली शॉप्स दिखनी शुरू हो जाएंगी जो थोड़ी सी गली के अंदर घुस के है और बहुत ही मतलब हिडन टाइप की शॉप्स हैं. इनमें भी आपको बहुत ही यूनिक टाइप की कलेक्शन मिल जाती है. तो जैसे ये गाउन टाइप या ए लाइन वाले कुर्ते होते हैं, अनारकली कुर्ते होते हैं, वो सब भी आपको बाहर लगे हुए मिल जाएंगे. एंड देन ऐसे टाइप के नाइट सूट सेट्स जो विंटर के लिए आ रहे हैं तो आपको विंटर कलेक्शन भी अब मिलनी शुरू हो जाएगी रजौरी मार्केट में. बहुत ही क्यूट नाइट सूट यहाँ पे मिल जाते हैं. अगेन उनकी प्राइस पॉइंट है लाइक 700 to 1000 रुपीज़. एंड स्वेटर्स की भी ऐसी कुछ है, कभी कभी तो उन्होंने 500 के स्टॉल लगाए होते, कोई भी पिक कर लो तो आपको 500 का मिल जाएगा. एंड इवन बच्चों के भी कपड़े ऐसे ही टाइप की शॉप्स में मिल जाते हैं. कोट्स जो आजकल चल रहे हैं विंटेज स्टाइल के बटन्स के साथ, वो सब भी आपको मिल जाएंगे. एंड कॉर्डरोय, साथ में शर्ट्स अगर आप चाहिए आपको फॉर वर्क वेयर या फिर कोई कॉलेज वेयर तो आप यहाँ से ले सकते हो. जैकेट्स, पफर जैकेट्स वगैरह भी क्यूट क्यूट मिल जाती हैं विद अ लॉट ऑफ शिमर एंड शाइन. देन बटरकप करके, अगेन ये भी मेट्रो स्टेशन के बिल्कुल ही पास है. मेट्रो स्टेशन से उतरते ही जब गली शुरू होती है तो आपको दिख जाएंगी ये 2-4 शॉप्स जहाँ पे ज़ारा ड्यूप्स मिलते हैं. और इनके पास ऐसे सेट्स होते हैं, क्वाड सेट्स सॉर्ट ऑफ. इसका मटेरियल बड़ा ही क्लॉथ, मतलब ऐसा होता है जैसे टी शर्ट टाइप का मटेरियल. इनके पास ड्रेसेस भी मिलती हैं और ज़ारा टाइप के टॉप्स भी मिल जाते हैं, बॉडीकॉन वाले टाइप के. और इनके पास जैकेट्स भी अच्छी होती हैं. कुछ इंपोर्टेड टाइप का स्टफ़ होगा जो थाईलैंड में मिलता होगा शायद, वो सब भी यहाँ मिलता है. तो बेसिकली शीएन और ज़ारा की आपको काफ़ी फील आएगी. ऐसी टाइप की वाइड लेग पैंट्स मिल रही हैं जिसमें बेल्ट भी है साथ में. सो ये बेल्टेड वाली 1800 बोल रहे थे, बट मैं आगे जो शॉप्स दिखाने वाली हूँ आपको वहाँ पर मुझे 1500 का भी उन्होंने कोट कर दिया था आफ्टर बार्गेनिंग. सो आई एम श्योर कि जैसे जैसे ये थोड़ी मतलब लोग खरीदना शुरू करेंगे तो उसका प्राइस थोड़ा नीचे आ जाएगा ऑटोमेटिकली. देन डेनिम में भी बहुत ऑप्शन थी इनके पास, एम्ब्रॉयडर डेनिम्स जिसमें सीक्वेंस लगी हुई है, एंड ऐसे चेकर्ड कोट्स भी जो चल रहे हैं विंटेज स्टाइल के. देन सीक्वेंस वाले कोट्स एंड ऑल जो आपके न्यू ईयर पे काम आ सकते हैं. पफर जैकेट्स भी बहुत अच्छी क्वालिटी की पड़ी थी.
डेनिम ड्रेसेस, बोहिमियन स्टाइल की ड्रेसेस, फ्लोइंग एंड फ्लेयर वाली, फिट एंड फ्लेयर वाली बहुत ही ब्यूटीफुल लगती है एंड यू मस्ट गेट योर हैंड्स ऑन वन ऑफ दीज। उसके बाद शेड शोरूम के सामने एक एसेंस शोरूम है, शोरूम नियर द शॉप है और उनके पास क्वार्ट्ज सेट्स मिलते हैं। ये दो तीन शॉप्स हैं जो एक साथ हैं, इसके ऑपोजिट भी दो तीन और भी शॉप्स हैं, उनका नाम नहीं है। एक का है ट्रेंडी ट्रेजर, उसके अलावा कोई दो का नाम नहीं है। तो इनके पास आपको बोहिमियन स्टाइल ऑफ ड्रेसेस मिल जाएंगी, फ्लोरल ड्रेसेस मिल जाएंगी एंड कभी कभी ज़ारा ड्यूप्स की और भी चीज़ें मिल जाती हैं, शर्ट्स वगैरह की ऑप्शन, टॉप जो है वो भी अच्छे मिल जाते हैं। कुछ कुछ थोड़ा सा ढूंढना पड़ता है बट इट्स सो ईजी, मतलब इतना अच्छी तरह वेल ऑर्गेनाइज होता है। कभी कभी कोलाबा की याद आती है देख के, या लिंकन रोड की बॉम्बे में, अगर आप बॉम्बे से हो तो कमेंट करके ज़रूर बताना। सो उसी के ऑपोजिट, एसेंस के ऑपोजिट आपको दिखेगा कि यहाँ पर भी डेनिम ड्रेसेस पड़ी थी, अगेन 1800 उन्होंने मुझे कोट करा था एंड 1500 तक के लिए मान गए थे। स्ट्राइप्ड शर्ट्स जो हैं वो भी बहुत ट्रेंड कर रही हैं एंड ये वाली पैंट्स यहाँ पर भी पड़ी थी जो मैंने आपको अभी पीछे दिखाई थी। इसमें बेज है, ब्लैक है और ग्रे टाइप का भी कलर है। उसके अलावा शर्ट्स की ऑप्शन ब्लिंगी टाइप की और थोड़ी फंकी टाइप की, जो ऑफ ऑफिस वेयर कभी पहनना हो तो आप पहन सकते हो। देन अगेन न्यू ईयर के लिए भी आपको चीज़ें मिल जाएंगी एंड ये फिटेड टॉप्स वगैरह भी मिल जाते हैं यहाँ पर। द बेस्ट आउट ऑफ ऑल दीज लॉट्स इज द ट्रेंडी ट्रेजर। वो ऐसे लगता है कि उनका जो कलेक्शन है ना वो बहुत ही वेल क्यूरेटेड है। आई थिंक देयर इज अ फीमेल हु इज टेकिंग चार्ज ऑफ दिस कलेक्शन एंड शी इज द ओनर। इनका इंस्टाग्राम पेज भी है, इनके पास डेनिम ड्रेसेस थी फिट एंड फ्लेयर वाली, बहुत ऑथेंटिक डेनिम था। इट इज नॉट लाइक जैसे कपड़ा होता है लेकिन सिर्फ लुक होती है उसमें डेनिम की। देन कॉर्सेट्स थे जो विंटर में काम आएंगे और इनके पास जंप सूट्स थे, जो कॉर्सेट वाले टाइप के जंप सूट्स होते हैं एंड डेनिम की शर्ट्स थी। टॉप्स में भी बहुत वैरायटी थी, कॉर्सेट टॉप्स भी थे और साथ में इनके पास विंटर वेयर के लिए भी दो तीन चीज़ें थी जैसे कि कोट्स वगैरह एंड ऐसे स्वेट शर्ट एंड जॉगर्स टाइप की चीज़ें। इनका प्राइस रेंज भी रीजनेबल ही है, मतलब 1000 to 1500 रीजनेबल मैं ऐसे कह रही हूँ क्योंकि गुड क्वालिटी चीज़ें हैं। इट्स ऑलमोस्ट एज गुड एज ब्रांडेड एंड सो थोड़ी सी कॉस्ट तो आएगी एंड देन ऐसे वाले कोट्स तो पॉपुलर हैं ही। उसको आप टीम अप कर सकते हो स्कर्ट्स के साथ, इनके पास मिनी स्कर्ट्स भी हैं एंड मिडी स्कर्ट्स भी हैं, उसमें लेदर स्कर्ट्स भी हैं। तो ब्लैक जैसे कोट आप ले रहे हो तो उसके साथ आप कोई कलरफुल स्वेटर ले सकते हो या फिर ब्लैक टॉप कॉर्सेट ले सकते हो एंड साथ में लेदर स्कर्ट को टीम अप कर सकते हो। देन मैक्सी ड्रेसेस की भी ऑप्शंस काफ़ी सारी थी इनके पास, अगेन 1700 rupees में मिल जाएंगे। ऑनलाइन भी है, व्हाट्सएप पे आप पूछ सकते हो और फॉलो। मिनीसो भी है यहाँ पर एंड मैं आपको इसलिए मिनीसो की कलेक्शन दिखा रही हूँ क्योंकि दो बहुत ही अमेजिंग चीज़ें आई हैं। एक है हैरी पॉटर की कलेक्शन, सो इफ यू आर अ हैरी पॉटर फैन यू आर गोइंग टू लव दिस कलेक्शन। मुझे तो इतना टेम्पटेशन हो रहा था बट मैं हैरी पॉटर की फैन अभी तक इसलिए नहीं बन पाई क्योंकि मैंने पूरी मूवीज नहीं देखी है। इफ़ यू आर अ हैरी पॉटर फैन तो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना इफ़ यू आर इंट्रीग्ड टू बाय दिस और इफ़ यू आर इंट्रीग्ड टू फाइंड की कैसी कलेक्शन है। सो आई रियली लव दिस एंड यूटिलिटी बेस्ड है सारा कुछ, जैसे कप्स हैं एंड लाइक बॉटल्स हैं, इवन लाइक कुछ ब्यूटी प्रोडक्ट्स भी हैं। तो यू कैन चेक देम आउट यहाँ पर, जैसे जो कैरी ऑन ट्रैवल ब्रश होता है, पाउचेस होते हैं, फॉर दैट मैटर जो पिल्लोज होते हैं या ट्रैवल के पिल्लोज होते हैं वो भी आप यहाँ से चेकआउट कर सकते हो। बैग्स हैं, की चेन्स हैं, सॉक्स हैं, कैप्स हैं, तो फॉर गिफ्टिंग ऑल्सो इट्स अ वेरी गुड ऑप्शन। अगेन इनके ब्यूटी प्रोडक्ट्स भी हैं जो मुझे नहीं लगता कि इतने सही हैं, बहुत अच्छे नहीं लगते मुझे, बट यू कैन ट्राई देम आउट। मैंने लेटेस्ट कलेक्शन चेकआउट नहीं करी है ट्राई आउट करके, बट आई एम सो टेम्पटेड कि नेक्स्ट टाइम मैं ज़रूर चेकआउट करके आपको बताऊँगी। देन यहाँ पर डायरीज भी मिल रही थी, सो इफ हॉगवर्ड्स अलग, देन ग्रिफिनडोर अलग, सो आई नो बिट ऑफ हैरी पॉटर। अगर आप ज़्यादा जानते हो तो मुझे कमेंट करके बताओ कि मैं कैसे शुरू करूँ मूवी देखना हैरी पॉटर की। लाइक आई वॉच्ड फर्स्ट टू पार्ट्स एंड देन रैंडमली मैंने कोई देखा हुआ है। देन बाबी की कलेक्शन इज सो क्यूट, लाइक लिटरली मुझे बाबी वैसे इतनी कोई अटेम्प्ट नहीं करती है बट द पिंक कलर इज सो ब्यूटिफुल। 1600 के कप्स एंड मग्स हैं जो स्टैनली कप्स टाइप के लुक फील देते हैं। देन ज्वेलरी है फॉर किड्स एंड स्टफ टॉयज भी इतने क्यूट होते हैं। लाइक 500 rupees का ये बनी रैबिट था एंड आई थॉट आई विल पिक इट अप फॉर माई सन, तो क्योंकि उसको बनी रैबिट्स बहुत ही क्यूट लगते हैं। एंड उसके अलावा यहाँ पर पेंगुइन्स हैं, बहुत सारे स्टफ टॉयज हैं बहुत ही क्यूट क्यूट से। एंड देन यूटिलिटी आइटम्स भी, कलेक्शन बीच में ना मिनीसो की बिल्कुल फेल हो चुकी थी लेकिन अभी इस टाइम पर जौहरी मार्केट में एटलीस्ट जो मिनीसो है उसकी तो कलेक्शन ऑन पॉइंट थी, बहुत ही मज़ेदार थी, सो टेम्पटिंग थी कि मेरा बहुत कुछ खरीदने का मन था बट मुझे लगता है ये
थोड़ा सा प्लास्टिक की चीज़ें होती हैं एंड इफ यू आर नॉट अ फैन ऑफ स्पॉइलिंग द एनवायरनमेंट देन यू प्रॉब्ली माइट अवॉइड बाइंग दीज थिंग्स, बट कभी कभी खरीद सकते हो, ऐसा नहीं है, कोई रूल नहीं है. देन इनके जो बैग्स होते हैं वो भी बड़े अच्छे लगते हैं, टैन ब्राउन एंड लैवेंडर एंड ब्लूज एंड वॉलेट्स, क्यूट क्यूट चीज़ें होती हैं यार. मतलब वो वाला टाइम मेरा चला गया जो गर्ली वाला टाइम होता है, बट फिर भी टेम्पटेशन होती है कभी ना कभी खरीदने की. देन ये रजौरी मार्केट का ओवरऑल व्यू देख लो कैसा लगता है, इफ यू नेवर बीन हियर. आपको 50% में जो बड़े शोरूम्स होते हैं ना वो भी ऐसे स्टॉल लगा देते हैं अपने बाहर, और उनमें बेस्ट ऑफ कलेक्शन अपनी बाहर रख देते हैं. उसमें फैब्रिक्स मिल जाएंगे, सूट सेट्स मिल जाएंगे, अनस्टिच्ड, सेमी स्टिच्ड, और बनारसी का कपड़ा मिल जाएगा, ऑर्गेन्जा मिल जाएगा, शिफॉन जॉर्जेट मिल जाएगा, पटोला प्रिंट मिल जाएगा, तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं. हाँ, एंड देन फुटवेयर के लिए भी बहुत ही अमेजिंग कलेक्शन है. एंड देन यू वुड थिंक कि आपको गुजराती वाली चीज़ें तो नहीं मिलेंगी, कुछ तो किन्स के पास या कई बार अलग अलग जगहों पे स्टॉल लगे होते हैं, वहाँ पर बोहो बैग्स भी मिल जाते हैं. सो इमेजिन कि कितना ही मतलब अच्छा क्यूरेशन है इन रजौरी मार्केट. आपको हर टाइप की चीज़ मिलेगी, दुपट्टों की अलग शॉप मिल जाएगी. देन बैग्स ये जो गुजराती लेन में मिलते हैं, ये जो मेटल वाले हैं, एंड देन ऐसी चीज़ें भी गुजराती लेन में मिलती है जनपद मार्केट में, जिसमें ये पोटली बैग्स वगैरह होते हैं एंड क्लचेस होते हैं जो आप किसी शादी के टाइम या किसी फेस्टिवल के टाइम पहन सकते हो आप मैचिंग विद योर आउटफिट, या आप सिंपल एक लेके जा सकते हो सिल्वर या गोल्डन में. सो इनके भी प्राइसेस कुछ ऐसे थे 500-700 प्लस 1000 रुपीज़, मतलब ज़्यादा वर्क होगा तो डेफिनेटली उसका हायर प्राइस होगा. तो ये चेकआउट कर सकते हो, ये वाली शॉप भी गली से अंदर घुस जाती है, तो शॉप्स इतनी लंबी लंबी है, मज़ेदार हैं बहुत ही, और उनमें से पिटोरा जैसे खुलता है मैजिक का ऑफ व्हाट यू कैन फाइंड इन रजौरी मार्केट. तो जरदोजी वाले बैग्स जो थे, क्लचेस थे, वो बहुत ब्यूटीफुल लग रहे थे, बहुत क्लासी लग रहे थे, डिज़ाइनर लग रहे थे, ऐसे लग रहे थे सभ्यसाची या कोई मनीष मल्होत्रा ने बनाया होगा ऐसा बैग, ऐसे वाले थे. देन पोटली बैग्स तो आपको 500-450 रुपीज में भी मिल जाएंगे, एंड मेटल में ऐसे टैसल वाला भी मिल जाएगा. सिलेटोज पे आपको अंदर की कलेक्शन मैं आपको नहीं दिखा पाऊंगी क्योंकि वहाँ अलाउड ही नहीं है फोटोग्राफी कभी भी, लेकिन बाहर की मैं आपको दिखा देती हूँ. तो स्टिलेटोस पे आपको ये फुटवेयर ऐसा घर पे पहनने के लिए बहुत ही अच्छा मिल जाएगा. उसके अलावा बैलरीना, जुत्तीज, बूट्स, शूज़, सब कुछ मिलता है यहाँ पर, एंड वो भी रीजनेबल प्राइस होता है, 1200-1500 रुपीज़ के बीच में भी अच्छा फुटवेयर मिल जाएगा. देन अगर आपको शादी के लिए चीज़ें चाहिए ना, सो दिस स्टोर यू मस्ट विजिट फॉर चूड़ाज एंड ऑल. 2000 रुपीज़ स्टार्टिंग प्राइस है, कलीरे भी यहीं मिलेंगे, चूड़ियाँ फॉर एनी अदर आउटफिट भी मिल जाएंगी, इवन टेम्पल ज्वेलरी यहाँ पर है आपके लिए अवेलेबल, और उसमें भी बहुत सारे डिज़ाइन थे, अमेरिकन डायमंड टाइप की बैंगल्स भी, एंड कुंदन ज्वेलरी भी बहुत कुछ है, बिंदियाँ, इवन मेकअप का कुछ प्रोडक्ट्स जैसे सिंदूर वगैरह अगर आपको चाहिए. तो शादी की जो भी तैयारी करने के लिए एक्स्ट्रा चीज़ें चाहिए होती है वो आप यहाँ से लेके जा सकते हो. ये स्टिलेटोस के काफ़ी पास में है शॉप, आपको अलग से पता चल जाएगा. एक ज्वेलरी वाली बाहर उन्होंने डिस्प्ले में लगाया हुआ है, उसके बाद अंदर की तरफ भी आप जाओगे तो आपको मिल जाएगा. तो बेसिकली आपको स्टिलेटोस तक पहुंचना है किसी भी तरीके से, और उसके बाद आपको ये ज्वेलरी शॉप मिल जाएगी. थोड़ा सा इधर उधर है, लाइक एक दो शॉप्स पहले, एक दो शॉप बाद में. एंड पिंक कलर के वो भी मिल जाते हैं यहाँ पर, चूड़ा वगैरह. सो कमिंग टू जूडियो, इट्स लाइक अ मिनी सरोजनी नगर इन सम वेज लाइक, लेकिन आपको साइजेस भी मिल जाएंगे XXL जो सरोजनी नगर में नहीं मिलते. एंड इनके पास ना जो कैजुअल वेयर है वो बहुत अच्छा मिल जाता है. जो कॉलेज वेयर चाहिए अगर गर्ल्स को, तो वो आप यहाँ से लेके जा सकते हो, स्वेट शर्ट के साथ, ट्रैक पैंट्स, लाउंज वेयर, ये सब चीज़ें भी क्यूट क्यूट पड़ी थी. एंड देन ऐसी टाइप की लिनन लुक एंड फील वाली पैंट्स जिसमें मिलिट्री ग्रीन कलर काफ़ी अच्छा ट्रेंड करता है, साथ में क्रॉप टॉप्स आप मिक्स एंड मैच कर सकते हो. दीज आर ऑल फॉर लाइक 299-399 रुपीज़. एंड स्वेटर की कलेक्शन भी आई हुई थी, तो मैं सब कुछ दिखा रही हूँ आपको कि कैसे कैसे कलेक्शन आई हुई थी. जूडियो रजौरी मार्केट में अभी रिसेंटली ही खुला है, तो अगर आपको जूडियो पसंद है तो यू कैन चेक दिस स्टोर आउट. यहाँ पर मॉम जीन्स एंड बहुत अलग अलग बैगी टाइप की जीन्स एंड स्किनी जीन्स सब कुछ मिल जाता है, बट क्वालिटी थोड़ी सी कॉम्प्रोमाइज होती है. इट्स नॉट लाइक द प्रॉपर डेनिम, इट्स जस्ट अ कपड़ा, इट्स जस्ट मतलब वो आपका अगर टमी होगा ना तो वो दिखेगा भी किसी किसी जीन्स में तो. एंड फुटवेयर की कलेक्शन भी बहुत ही अमेजिंग होती है. 499 रुपीज़ में यार फ्लैट्स मिल रहे हैं,
599, 699 में आपको हील्स मिल रही हैं, 299 में चप्पल्स मिल रही हैं जो आप बीच वेयर के लिए यूज़ कर सकते हो, 499 में स्टिल वो बैलरीनास भी मिल रही हैं, एंड अगेन बड़ी स्टाइलिश भी हैं, तो कुछ कुछ चीज़ें आपको अच्छी दिख जाएंगी। बूट्स मिल रहे हैं 999 रुपीज़ में, एंड बूट्स की क्वालिटी भी अच्छी लग रही थी। तो अगर आप सूर्यनगर से ढूंढते हो तो उससे बेटर है कि यहाँ पे अपना ऐप साइज लेके जा सकते हो, क्योंकि सूर्यनगर थोड़ा सा मुझे लगता है कि अब बेकार होने लग रहा है। आपको क्या लगता है उसके बारे में बताना मुझे कमेंट सेक्शन में कि आपका लेटेस्ट एक्सपीरियंस कैसा रहा सूर्यनगर। मैं काफ़ी टाइम से गई भी नहीं हूँ, क्योंकि मैं पहले तो ऑलमोस्ट एवरी वीक चली जाती थी, अब मुझे लगता है वहाँ कुछ भी नहीं पड़ा है, अब मतलब बहुत ही बेकार हो गया है, भीड़ भी बहुत ज़्यादा हो गई है। एंड देन जो ज़ारा टाइप की फ्लैट्स है ना, वो भी यहाँ पे टैन ब्राउन वाली वो सब भी मिलती है, एंड साथ में जो कॉमनली एवरीडे बेसिस पे ऑफिस वेयर के लिए भी अगर आपको चाहिए तो वो भी यहाँ पर अवेलेबल है। कुछ ब्लिंगी टाइप की भी हैं जिसमें सिल्वर, गोल्डन, देन न्यून कलर्स एंड पेस्टल कलर्स, देन बोहिमियन स्टाइल का जो इनकी क्लॉथ कलेक्शन आई हुई है, जो मतलब वो लुक आई हुई है, उसमें ड्रेसेस हैं बोहिमियन स्टाइल की, फ्लेयर लेड पैनल ड्रेसेस, एंड इवन एथनिक वेयर में जो ब्लाउजेज हैं जो आप किसी वेडिंग के लिए यूज़ कर सकते हो, बोहेमियन प्रिंट्स जो आए हुए हैं वो भी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा देखने को मिले थे मुझे। उसमें भी आपको अलग अलग स्टाइल्स मिल जाएंगे, तो शॉर्ट ड्रेसेस मिल जाएंगी, लॉन्ग मैक्सी ड्रेसेस मिल जाएंगी, स्ट्रेट ड्रेसेस भी मिलेंगी। तो आई वॉज क्वाइट सरप्राइज कि थोड़ी कलेक्शन अच्छी थी जूडियो की, मतलब इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन बाइंग चीप क्लोथ देन यू कैन गेट फ्रॉम हियर, एंड भी अगर चाहिए तो कुछ कुछ तो मिल ही जाता है, थोड़ा ढूंढना पड़ता है। एंड देन बच्चों की भी जो कलेक्शन होती है वो कभी भी मुझे मतलब बहुत ही अच्छी लगती है, मतलब मुझे तो ऐसा लगता है कि बच्चों की कलेक्शन क्यूट क्यूट चीज़ें मिलती है, बट एक दो बार मेरे को फेल भी हुआ है यहाँ से खरीदने में कि स्लीव्स उनकी बहुत अच्छी फिटिंग नहीं थी, एंड देन जैकेट भी बड़ी ज़्यादा टाइट थी अकॉर्डिंग टू व्हाटएवर साइज़, मैंने उससे भी बड़ा साइज़ लिया था, और इवन स्वेटर्स की जो स्लीव लेंथ थी वो भी कम थी। तो थोड़ा देख दाख के लेना एंड ट्राई आउट करके ही लेना, इट विल बी बेटर। 399, 499 के बच्चों के कपड़े आ रहे हैं विंटर के भी, एंड ऐसे टाइप के वाइट ब्लाउजेज, देन सिंपल 499 रुपीज़ के कुर्ताज मिल जाएंगे जिसमें कलर और वर्क भी बड़ा सिंपल एंड नाइस, एवरीडे वेयर के लिए जो काम आता है, वर्क वेयर हो गया, घर के लिए हो गया, नीचे वॉक जाने के लिए हो गया, एंड देन इसके साथ आप मैचिंग ट्राउजर्स एंड वो सब भी ले सकते हो जो नीचे पजामाज वगैरह चाहिए होते हैं। उसके बाद ये पिंक्स एंड रेड की कलेक्शन अलग से उन्होंने रख रखी थी, वो भी काफ़ी ब्यूटीफुल लग रही थी, बट प्रिंट्स थोड़े से मेरे लिए मतलब मुझे थोड़े से टैकी से लग रहे थे। सो बैगेट शोरूम है, उसके सामने भी एक स्टॉल लगाया हुआ था किसी ने, उनके पास थे सूर्यनगर वाले टाइप के एंड जनपद टाइप के क्लोथ्स, जिसमें स्वेटर्स मिल रहे थे रैंडम जो आपको सूर्यनगर जनपद पे मिलते हैं, मतलब कोई भी एक चीज़ मिलेगी वन ऑफ अ काइंड, और उसके बाद आपको उसका दूसरा पीस भी नहीं मिलेगा ना साइज़ मिलेगा, तो जो मिल रहा है वो वाला अगर आपको पसंद आ रहा है, आपके साइज़ भी मिल रहा है, तो आप ले सकते हो। एंड इनके प्राइस पॉइंट्स भी 500-600 रुपीज़ थे, इसमें भी कलर कॉम्बिनेशन एंड ऑल अच्छे थे, कुछ कुछ टर्कोइज ब्लू, हॉट पिंक, येलो, कुछ मोनोटोन्स भी थे, और साथ में ऐसे न्यू टाइप की वो वाइट ग्रेज पजामाज मिल रहे थे फॉर लाइक लाउंज वेयर, जो इजी ब्रीजी होते हैं, सर्दियों में अच्छे रहते हैं, कंफर्टेबल रहते हैं, एंड ठंड भी बचाते हैं। सो यू कैन चेक दिस आउट कॉब और बैगेट के पास। उसके बाद ऐसी गलियां भी हैं जहां पर बच्चों के कपड़े मिल जाते हैं, ज्वेलरी मिल जाती है, सिल्वर ज्वेलरी मिल जाती है, तो ये है गुप्ता स्वीट्स बीकानेर टाइप का है, उसके साथ ही ये गली जाती है, और वहां पर आपको ऐसे गोटा वाले वर्क वाले चीज़ें भी मिलेंगी, जैसे अगर आपने सूट बनवाना है तो उसके साथ आपको टैसल्स चाहिए, आपने लहंगा लिया है तो उसके साथ आपको कुछ बांधने के लिए चाहिए, एक एड ऑन चाहिए फॉर एम्बेलिशमेंट्स बेसिकली, तो यहाँ पर आपको गोटाज एंड ऑल सब कुछ मिलेगा, बटन्स बॉर्डर्स बनाने के लिए अलग अलग। तो मैं बेसिकली यहाँ पे इसलिए गई थी क्योंकि मैंने रिदान की पुराने कपड़ों से उसके जो मुझे बहुत ही मेरे क्लोज हैं उन चीज़ों को मैंने कलेक्ट करके एक कंबल एक उसके लिए क्विल्ट बनवाई थी, उसके साइड का बॉर्डर चाहिए था मुझे, एंड आई फाउंड अ रिबन ओनली, मतलब उसमें ज़्यादा ऑप्शन नहीं थे, बट जब मैं सूट वगैरह के लिए ढूंढती हूँ तो काफ़ी मिल जाता है। देन दुपट्टा शॉप्स हैं, तो दुपट्टा शॉप ही है उसका नाम, तो यहाँ पे दो शॉप्स हैं एक साथ ही, यहाँ पर आपको ऑर्गेन्जा नेट वेलवेट बहुत सारी ऐसी कलेक्शन ऑफ दुपट्टाज भी मिलेंगे एंड कुर्ताज भी मिलेंगे फॉर एवरी डे बेसिस। ऑल्सो आप डाई भी करा सकते हो अगर आपके पास टाइम लिमिटेड है, तो आप फैब्रिक अलग से लेके उसका बॉर्डर बना के उसकी जगह आप यहीं से डाइबल दुपट्टा लो
एंड किसी भी स्टाइल में लो, उसमें नेट भी ले सकते हो, ऑर्गेंजा भी ले सकते हो, जॉर्जेट ले सकते हो, व्हाटएवर फैब्रिक यू लाइक, एंड यू कैन मैच इट अप. डायर भी इसी गली में मिलेंगे आपको, गुप्ता स्वीट्स के गली में, यहीं पे आपको सारी जुगाड़ू चीज़ें मिल जाएंगी. इवन यहाँ पर और भी स्टॉल्स भी लगे होते हैं जहाँ पर आपको शर्ट्स एंड ये जो श्रीनगर या जनपद का कलेक्शन होता है ना, वो अलग अलग से दिख जाएगा. और वहीं से आपको फ्राइडे मार्केट भी एक्सपीरियंस करने को मिल सकती है. जब फ्राइडे पे आप जाओगे तो वो है वो फ्ली मार्केट जो कभी वन डे पर ही लगती है. उसी के साथ एक और शॉप है ये वाली. मैं इस वीडियो में बहुत बातें कर रही हूँ, मैं इसमें म्यूज़िक नहीं डालने वाली क्योंकि मैं चाहती हूँ कि आप लोग सब कुछ समझ लो इस मार्केट के बारे में. और अगली बार मैं सिर्फ स्पेसिफिक कुछ कुछ चीज़ें दिखाऊंगी. सो ऐसे काओ के दुपट्टे आए हुए हैं एंड आई रियली लाइक देम. आई एम वेरी फॉन्ड ऑफ दीज काइंड ऑफ थिंग्स जिसमें प्रिंट्स ऐसे होते हैं एंड साथ में ये बनारसी वाली कलर्स भी मिल जाते हैं. बहुत अच्छा मटीरियल होता है इनका भी, बट इट्स नॉट द मोस्ट प्योरेस्ट. उसके बाद तहजीब या शेड्स के पास ही एक और स्टोर था जहाँ पे 500 रुपीज़ की शर्ट्स एंड स्वेटर्स एंड कॉट सेट्स मिल रहे थे जो नाइट वेयर के लिए भी काम आते हैं या लाउंज वेयर के लिए काम आते हैं. सो यू कैन ट्राई दीज आउट एज वेल. ये रीजनेबल कर देते हैं और बार्गेन भी कर लेंगे एंड इनके पास वेल अरेंज चीज़ें होती है तो बहुत डिसाइड करने में मुश्किल नहीं होती. सो आई होप आपको मज़ा आया हो और मेरे को तो बहुत मज़ा आया. और रजौरी मार्केट का क्रेज़ अलग ही होता है.